अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं यहाँ आया हूँ अपना A1 स्नैक पे टिक्के लेने के लिए। टिक्के खाने का दिल चाह रहा था आज बड़ा। मैंने कहा चलें आज टिक्के खाते हैं। आज डिनर में दाल चावल, जैसे दाल भात कहते हैं, बहुत ज़्यादा खाई जाती है बांग्लादेश में, इंडिया में और पाकिस्तान में। तो मैंने कहा यार अब क्या है, इसमें अगर टिक्के भी ऐड कर ले जाए तो ज़रा मज़ा आ जाएगा, ज़रा इन्जॉय, एक नई डिश जो इसमें ऐड करके। तो मैं इसी वजह से मैं आया हूँ यहाँ पर डिफेंस सी मार्केट में, और ये मैंने स्नैक के। तो मैंने सुना है कि यहाँ जो सुना है कि हमने खाए, लेकिन बहुत अच्छा इनका स्टैंडर्ड है और बड़ी सफाई सुथराई का ये लोग अरेंजमेंट करते हैं A1 स्नैक वाले, और अच्छा इनका वो बिजनेस जो इस्टेब्लिश हुआ है A1 स्नैक। देखिए आप कितना अच्छा इन्होंने बनाया सिस्टम। और मैंने गाड़ी बिल्कुल जो है ना, इंजन जो है मेरा आग की तरफ है। कितने अर्से से ये दुकान है भाई? ये सर इसको 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। ऊपर भी आपके खाने पीने की जगह है? बिल्कुल है, डाइनिंग है। ऊपर डाइनिंग है फैमिलीज के लिए? जी, ये बिल्कुल सनी मेडिकोस के बराबर में है। हाँ तो अच्छा, क्या क्या बनाते हैं आप लोगों का, क्या क्या आइटम्स हैं? सैंडविच है, रोस्ट है इधर। और ये क्या तैयार हो रहा है? कढ़ाई तैयार हो रही है। ये मटन है चिकन है? सर ये मटन है। ज़बरदस्त। कितनी देर में हो जाती है भाई तैयारी? 15 मिनट में हो जाती है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यार, आपने क्या मसाले वसाले डाले? टिक्के भी अंदर रखे हुए देंगे। आप लोगों का स्टैंडर्ड अच्छा है वैसे, मैंने इसलिए मैंने कहा था चले यार यहाँ से लेते हैं। जूस वगैरह भी होता है आपके पास अवेलेबल? जूस अच्छी होती है। सैंडविच वगैरह, कढ़ाई वगैरह, टिक्के वगैरह, अच्छा होता है। ये अपना उनकी तस्वीर लगी हुई है आपके, क्या नाम है उनका? प्रिंस करीम आगा खान साहब। मतलब हाँ सही, अच्छी बात है यार, हर आदमी का राइट है। हाँ बड़ा अच्छा लगा यार भाई, किधर आके आप लोगों के पास ये कढ़ाई जब बन जाएगी उसके बाद ही पता लगेगा कैसी बनी। सामने ये क्वेश्चन स्वीट, यार इसमें हीट बहुत ज़्यादा है आपका, कोयले का जो ना बहुत स्पीड है। ये तैयार है मेरे ख्याल से बिल्कुल है, आऊँगा भाई किस दिन खाने, इधर ही बैठ के ताज़ा ताज़ा लाइव जो है। खराब हो चुके बिल्कुल, फ्रेश लगे कहाँ है यार, रखा जल्दी ले आओ ना, देर हो रही है मुझे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, भीनी भीनी खुशबू। कढ़ाई तैयार, कोयला कढ़ाई है। इसमें गोश्त वगैरह सही गल जाता है? आपका नाम क्या है? कितने अर्से से कर रहे हो आप? कितने अर्से से काम कर रहे हो? यार अच्छी कढ़ाई लग रही है मुझे। कढ़ाई दे, ये टिक्कों का जो ऑर्डर किया था, ये है चिकन बॉडी यार। इसमें बड़ी हीट बहुत तेज़ है भाई, ज़रा सही लगाना है, सही लगाना टिक्के ज़रा, ताकि बार बार आए आपके टिक्के देख के तो लोग आएंगे अभी A1 स्नैक पे। ज़रा इसकी बॉडी ना सही करवाना है, तो सही पकाना है। मैं गुड यार, अच्छी बात है, आपको सालन में तैयार होता है सारा, अंदर जो इनका पूरा सिस्टम है, सफाई सुथराई का भी ये लोग बहुत ख्याल रखते हैं, और अच्छा लगा इधर आकर। वैसे तो आते रहते हैं लेकिन बस अच्छा लगा, स्पेशली जब इसके लिए आए। बस ये तैयार हो जाए तो मुझे दीजिएगा, ठीक है? क्या नाम है आपका? तो आप लोग ये मास्क वगैरह लगाते हैं अभी भी? हाँ मास्क लगाते हैं। चलो
साई चाचा है ना मैं सलाद बता दो हाँ विथ रायतो रायतो भी आए ए आए सब छुट्टी ठहरा ये यहीं है फ्रेश फ्रेश दिखा बाबा ये नो या सब उठाए नहीं 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 इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे हाँ हाँ बेहोश सब खेला ठीक है मेहरबानी ताजी मेहरबानी साई अब इसको खाते हैं पेपर आते हैं आप बेल्ट जरूर बांधे हाँ देखिए मैंने आज के दिन का मैंने कहा यार दो दिन गुजर गए क्योंकि व्लॉग नहीं आया लोग पूछ रहे थे तो अब जो है मैंने एक छोटा सा व्लॉग लिया आप लोगों के लिए मैंने कहा चलें एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है और ये छोटा सा व्लॉग है आप देखिएगा अच्छा लगेगा आपको एंजॉय करेंगे आप लोग आखिर देखिए देखिए आखिर अल्ट्रा 22 है इतना खर्चा किया था व्लॉग तो अच्छा बनना चाहिए ना सॉरी गिफ्ट है भाई गिफ्ट है खर्चा हमारा नहीं है खर्चा होम मिनिस्ट्री का है तो इतना दौक बनता है यार रात के रात भी व्लॉग देखें कैसा कैमरा है इसका लोग बड़ी बड़ी एसेसरी लेके घूमते हैं व्लॉग बनाते हैं हमारे पास छोटा सा ये कैमरा होता है मोबाइल होता है बस ये मोबाइल ही है जो हमारा कैमरा है सब कुछ है हमारा उम्मीद है कि आप लोग अच्छा आप लोगों को अच्छा लगे लाइक कीजिएगा कमेंट जरूर दिया करें ना ताकि पता तो कौन कौन देख रहा है ऐसे तो हमारे व्यूअर भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो है वो हजारों में चले गए हैं ऐसी बात नहीं है भाई को हल्का नहीं लेना है और बाकी तो मैं बस रास्ते में गाड़ी चला रहा हूँ घर जाके आपसे शेयर करूँगा कि दाल चावल और टिक्के का कॉम्बिनेशन जो है कैसा बनेगा बाकी आपको छोटा सा व्लॉग डालूंगा ताकि आप देखेंगे इन्जॉय क्या करें ज़िंदगी को ज़िंदगी इन्जॉयमेंट का नाम है घर पहुँच कर हमने थोड़ा हमने कहा टिक्कों को और ज़रा गर्म कर लें और खाना बाकी क्या इसमें ये कितनी देर में ये गर्म हो जाएंगे बस हो गए रेडी ओवन में जो है टिक्के भी नज़र आ रहे होंगे दाल भी नज़र आ रही होगी चावल भी नज़र आ रहे होंगे तो हमने कहा रास्ते में ठंडे हो जाते हैं बाद दफ़ा तो इसका इसको ज़रा और गर्म कर लें तो यार ये शीरमाल भी निकाल लें शीरमाल भी तो हैं शीरमाल इसमें कम से कम आई थिंक 15 मिनट जो है वो लगेंगे अच्छा ये बताएं अपना कि ये शीरमाल और उसका जो सैलड वगैरह है जो वहाँ से लिया है तो उसका शीरमाल मैंने फोल्ड करके रखना फॉइल के अंदर रखने से कल वो मेड हमारी बता के गई नहीं कि फॉइल खत्म हो गया ठीक है तो शीरमाल को ऐसे रखेंगे कल आते तो सैलड वगैरह जो है सैलड नहीं सैलेड नहीं रखना सैलेड नहीं खाना इट्स नॉट हेल्दी चलें अच्छी बात है बाहर का सैलेड ना खाने की वजह क्या है वजह ये है कि ये प्याज पता नहीं कब से कटे हुए हैं खीरे कब से कटे हुए हैं और चलो हाइजीनिक हो जाते हैं हाइजीन वाइज तो अब टिक्कों का तो पता होता है कि वो आपको हमारे सामने ही बने हो तो सब हमने सामने ही बनवाया इनको तो ज़ाहिर है उसमें जो भी और ये पता नहीं कैसा होगा दही कैसा पानी डाला तो हमारे पास अपना मौजूद है अपने घर का यूज चलो तैयार हो गया इसमें बिल्कुल हाँ गरम हो गया बस रखने लगे खाना जो है सर्व हो रहा है अब देखिए अब टेबल पे लगाया चुना जा रहा है खाना खाने की चुनाई जा रही है राइस दाल ये रैपिंग में है और बहुत अच्छे तरीके से लोग पैक करके देते हैं फॉइल में फॉइल के अंदर खाना गर्म करते हैं खाना गर्म करने का फॉइल फॉइल भी गर्म है अभी तक भाई डब्बों को क्या कर रही है डब्बों का क्या काम है ये डब्बों का क्या काम है ये डस्टबिन में फेंकने लगे अच्छा अच्छा इस तरह हाँ जगह कम दे अच्छा 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 बस काफ़ी है बस बहुत है रात को ज़रा कम खाना चाहिए ज़्यादा बेहतर रहा सेहत के लिए इंसानी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि खाना ज़रा कम खाया जाए सही कह रहे हैं दिस इज़ नॉट रोटी मंगूस अच्छा लग रहा है इसकी टिक्का जो है देखें मुँह में पानी आ रहा है परफेक्ट मेरी तो पहला प्लेट हो गई तैयार मैं तो अब शुरू करने वाला हूँ आप भी शुरू करें आ जाए जैसे टिक्का खाएंगे सेम वही रायता
रायता घर का, सैलेड घर का। चलें जी, अब हम खाना शुरू करते हैं और इस ब्लॉग को खाने से पहले हम उसको क्लोज करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और पसंद आएगा। खाना शुरू करते हैं, बस मुँह में पानी आ रहा है और आप लोग देखते रहिएगा। चलें जी, खाना शुरू करते हैं। बेगम साहब बड़ी बुरियाँ मार रही हैं कि तो खाना क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं, तो पब्लिक को पहले खिलाएंगे। मैंने कहा नहीं, पब्लिक खाना नहीं खा रही, वो देख रही है हम किस तरह खा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा और आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।